दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय शाइन क्लिनिक एंड वेलनेस सेंटर मेन बाजार गगल कांगड़ा। इंदौरा के साथ लगते गांव लंबी पट्टियां में पिछले कुछ दिनों पहले तोड़े गए शिवलिंग और एक वर्ष पहले इंदौरा के ही कुडसा गांव में तोड़े गए वैष्णो देवी के मंदिर के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे नाराज इंदौरा क्षेत्र के लोगों ने SM कार्यालय का घेराव किया। हिंदू मंदिरों पर हो रहे इन हमलों से इंदौरा क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हमारे धार्मिक स्थलों पर एक सुनियोजित योजना के तहत टारगेट किया जा रहा है, जिसे हिंदू समुदाय कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। सर हमको दे दो ना थोड़ी जगह, सर स्पेस दियो, थोड़ी स्पेस दियो थोड़ी। यहाँ पर इंदौरा क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न हिंदू संगठनों से आए हुए कार्यकर्ता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे जो हर व्यक्ति आया हुआ है वो हमारी नजर में हिंदू वीर योद्धा है। सारे मेरे से पहले वक्ताओं ने भाषण दिए, अपनी अपनी बातें बड़ी अच्छे से रखी हैं। इंदौरा क्षेत्र में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या यहाँ पे मान बिंदुओं के साथ अपमान किया जा रहा है, देवी देवताओं के साथ अपमान किया जा रहा है। एक मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ आपको एक इतिहास के पीछे एक प्रसंग में लेकर जाऊँगा। सलार गाजी का अगर किसी ने नाम सुना हो तो आपको बताना चाहूँगा। सलार गाजी भाई साहब, सलार गाजी मोहम्मद गजनवी का भांजा था और इस्लाम को के विस्तार के लिए हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण किया। लाखों की संख्या में हिंदुओं को काटता हुआ, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार करता हुआ पंजाब और सिंध क्रॉस करके बहराइच, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है बहराइच, वहाँ पर आकर वहाँ तक पहुँच गया था। रास्ते में कोई उसकी आंधी को रोक ना पाया। सुहेल देव पासी नाम का बहराइच का राजा उसको चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ और सलार गाजी की सेना को गाजर मूली की तरह काट कर एक भी सैनिक वापस जिंदा नहीं जाने दिया। सलार गाजी को काट के और हिंदू धर्म का पालन करते हुए जैसे हमारे उसमें पुरोपकार होता है उसको वहाँ पे दफना दिया। युग बीत गए, उसके बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश का राजा, उसका नाम था फिरोज तुगलक, उसने उसको इस्लाम का योद्धा माना और वहाँ पे उसके नाम की मज़ार बना दी बहराइच में, जिसको आज गाजी बाबा की मज़ार कहते हैं और हम ही हिंदू वहाँ पे जाके अपना माथा रगड़ते हैं। और सुहेल देव पासी का नाम जो है आज तक इतिहास में सिर्फ पासी समुदाय का राजा बन गया, बस सुहेल देव पासी को कोई नहीं जानता। और वहाँ पे लाखों का चंदा जो है इकट्ठा होता है और वही चंदा जो है वो लव जिहाद में जाता है, वही चंदा जो है वो हम हिंदुओं पर आक्रमण के लिए इस्तेमाल होता है। तो गलती किसकी है, हमारी, हम लोग इनकी मुजारों पर जाके माथा रगड़ते हैं, वीरवार को तेल चढ़ाते हैं, हरी चादरें चढ़ाते हैं, या तो डरते हैं फिर कान को हाथ लगाते हैं 10 बार निकलने से पहले, अगर डर जा लगता है तो वीर बजरंग बली का हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम रक्षक काहू को डरना। हम लोग हरी चादरें चढ़ाते हैं, आपके यहाँ पे छिंजे होती हैं, बताओ छिंजों में हरे झंडे का क्या काम है। हम लोग ही जो हैं इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो मेरा निवेदन है आपस में ना लड़े, इन चीजों के बारे में विश्लेषण करें। जो मंदिर का वहां पे शिवलिंग टूटा है, वहां की हमारी प्रशासन से मांग रहे कि वहां पे पुनर्स्थापना की जाए, और जो वहां पे अवैध कब्जे हो रहे हैं उन कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। आज जो ये हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन, उग्र आंदोलन का एक नींव रखी जा रही है यहाँ पे। प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि प्रशासन और सरकारें, अगर हिंदू समाज की अनदेखी हो रही है, विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की अनदेखी, हिंदू मान बिंदुओं का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है वो नहीं सहेगा, इसके लिए हमें कोई भी आंदोलन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए इंदौरा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
हमारे यहाँ डे केयर, ऑल ब्लड टेस्ट, ECG, नेबुलाइजेशन, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और प्रोसीजर पल्स डायग्नोसिस की सुविधा है। इसी के साथ स्त्री रोग जैसे कि गर्भाशय में रसौली, मूत्रमार्ग में संक्रमण, श्वेत प्रदर, गर्भाशय में सूजन, अनियमित मासिक धर्म इत्यादि का भी इलाज किया जाता है। त्वचा से संबंधित रोग जैसे कि सोरायसिस, स्केबीज, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, एक्ने और ब्लेमिशेज इत्यादि रोगों का भी इलाज यहाँ किया जाता है। जोड़ों से संबंधित रोग जैसे कि संधिबात, आमबात, रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द इत्यादि का भी इलाज किया जाता है। सभी रोगों की पहचान नाड़ी देखकर और इलाज पंचकर्मा और आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है। क्लिनिक सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7018139637 पर संपर्क करें।